What's happening in Sudan? Now, a seven-day ceasefire comes into effect in war-torn Sudan this evening. The sporadic gunfire has been heard in Sudan's capital, Khartoum, despite a new seven-day humanitarian ceasefire. Sudan's army and the Rapid Support Forces have agreed on a new ceasefire in Jeddah, and for the first time, this ceasefire will be monitored by international allies. अस्सलाम वालेकुम और आज हम आपके साथ सूडान के अजीबोगरीब हालात शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों सूडान एक अफ्रीका में वाकया मुल्क है जो कि अपने पॉलिटिक्स और तारीख की वजह से अक्सर हेडलाइंस बना रहता है। ये मुल्क हमेशा से सियासी और माली तौर पर अनस्टेबल रहा है और इसकी तारीख में कुछ बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा है, जबकि कुछ ऐसे वाकया भी सामने आए हैं जो कि दुनिया के लिए एक नकाब पहने हुए हैं। आज हम सूडान के माजी और हाल और मुस्तकबिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सूडान की आर्मी और पार्लियामेंट्री फोर्सेस के दरमियान क्या तकसीम, डेमोक्रेसी की स्ट्रगल और सूडान के लोगों के लिए परेशानियां शामिल हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। दोस्तों सूडान के करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो सूडान की आर्मी और पार्लियामेंट्री फोर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच एक पावर स्ट्रगल चल रही है। दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इस वक्त हजारों लोग जख्मी हैं और इसके साथ साथ हवाई हमले और शेलिंग भी हो रही है। इसने प्रॉपर्टी को भी तबाह करके रख दिया है जिसमें एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं और ये सब सबसे बड़ी कैपिटल सिटी खार्तूम में हो रहा है, जहां बिजली और पानी दोनों ही नहीं है और खाने की सप्लाईज भी खत्म होती जा रही है। RSF जिन्हें पहले आर्मी के लिए कंसिडर किया जाता था अब इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो गए हैं। तो फिर इस जंग का असल सबब क्या है? सूडान के मसले की जड़ इसके तस्वीर में है कि इसे एक डेमोक्रेसी की बुनियाद बनाई जाए, जिसका मतलब है कि उमर अल बशरी की 40 साल की मिलिट्री रूल्स के बाद सूडान में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। लोगों के कंटिन्यूस प्रोटेस्ट्स के बावजूद जब उमर अल बशीर को इस्तीफा देना पड़ा तो फौज ने उनकी जगह ले ली, लेकिन अवाम फौज को भी अपने मुतअद्दिद मसाइल की वजह से कबूल नहीं कर सकी। प्रोटेस्टर्स के दबाव के बाद फौज ने तकसीम शुदा सियासतदानों से मिलकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया, जिसके जरिए वो डेमोक्रेसी की तरफ तरसीम करेंगे। लेकिन दो साल गुजरने के बाद फौज ने फिर से प्राइम मिनिस्टर को निकाल कर दोबारा हुकूमत पर कब्जा कर लिया और पावर में आ गए। सूडान में डेमोक्रेसी की तरफ तरक्की के लिए फौज और पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। फौज और RSF अब एक ही फौज के दो अलग हिस्से बन गए हैं। बहुत से लोग इस जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो फौज के लीडर हैं और हिमायती RSF के लीडर हैं, उनकी पर्सनल राइवलरी कर रहे हैं। दरअसल दोनों लोग सालों से एक ही तरफ थे, जबकि द्रुफ की जंग में हमेती ने जंजवेद नाम के एक मिलिट्रिया को लीड किया था, जिसे अल बशीर की फौज ने द्रुफ की रेबल्स के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें वहाँ वार क्राइम्स का इल्जाम लगाया गया और अल बशीर को जेनोसाइड करने का इल्जाम भी लगाया गया था। 2013 में मिलिट्रिया को ही रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से दोबारा ब्रांड किया गया और उन्होंने आर्मी के साथ अलग अलग मिशन पर काम किया। फिर 2019 में हमेती और जनरल अल बिरहान ने मिलकर अल बशीर को हटाने का फैसला किया और प्रो डॉक्यूमेंट्री प्रोटेस्ट के दौरान RSF और आर्मी को 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने का इल्जाम लगाया। लेकिन तब से ही RSF एक ताकतवर जमात बनती जा रही है और अब वो बहुत ज्यादा खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट भी हो गई थी। इस वक्त की लड़ाई में अब हम एक मामले पर आते हैं जिसमें सूडान की डेमोक्रेसी के लिए तरजीह है RSF को फौज में शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन फौज और RSF की बातचीत टाइमलाइन के हवाले से मुत्तफिक नहीं है। फौज ने 2 साल का अरसा दिया है, जबकि RSF इसमें 10 साल का अरसा तलब कर रही है। अप्रैल 15 को दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि किसने इस लड़ाई का आगाज किया था। दोनों की तरफ से एक दूसरे की बेस पर हमला करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्लेसेस, एयरपोर्ट और स्टेट टीवी चैनल पे कब्जा करने के लिए लड़ना शुरू कर दी। अब दोस्तों फौज के पास एयर पावर थी और वो खार्तूम में RSF की बेसिस को टारगेट कर रही है, जिसमें कई रेजिडेंशियल एरियाज भी शामिल हैं। RSF के पास कोई हवाई ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट हथियार हैं और वो करीब 1 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। सूडान के हमसाया मुल्क अफ्रीकन यूनियन, UN, US और UK ने लड़ाई को रुकवाने के लिए कई दफा दावत दी है। इसके अलावा सूडान की फौज के करीबी दोस्त इजिप्ट और UAE भी इस मामले में रोल
प्ले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से लड़ाई में कोई भी पीछे नहीं हट रहा, ना ही फौज ना ही आरएसएफ। सूडान की सिचुएशन को समझने के लिए एक और पॉइंट ये भी है कि सूडान एक बहुत ज्यादा खास स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई कंट्रीज और इंटरनेशनल प्लेयर्स इसके अंदर अपनी हैसियत के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सूडान में ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके लिए दुनिया भर से कई लोगों को सूडान के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व होना जरूरी समझते हैं। सूडान के मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत कंसर्न है और कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिसेंटली सूडान के मामले में स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उन्होंने पार्टीज को डायलॉग और पीसफुली सॉल्यूशन के लिए इनकरेज किया है, और कई कंट्रीज ने भी सूडान को इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्लेज किया है। सूडान की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसके मसले कई सालों से चल रहे हैं। सूडान की पॉलिटिकल ग्रुप्स, मिलिट्री और पार्लियामेंट्री फोर्सेस के बीच में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को सूडान की अवाम डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देती है, और ये कई ऐसे मसले हैं जो हल हो जाने चाहिए। लेकिन इस हालत में, जिसमें लोगों के लिए बेसिक नीड्स जैसे पानी, बिजली और खाना भी मसला बन गया है, इस सिचुएशन को जल्द से जल्द रिजोल्व किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।